हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपको रेनी डे दिखा रही हूँ जून के महीने में। आज 1 जून है और देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है और आप और जो पौधे हैं ना वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितने ऐसे दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। देखिए बारिश में ऐसे देखिए फूलों के ऊपर पानी की बूंदें, पत्तों पर पानी की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और सारे पौधे ऐसे जैसे बारिश मॉनसून में हैप्पी दिखते हैं ना। और एक चीज़ आपने भी शायद नोट की हो कि पूरी बारिश निकल जाती है। बारिश में कोई भी पौधा, बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश की ओवर वाटरिंग से मरते हैं। अगर आपके पौधे का ड्रेनेज अच्छा है तो रोज़ भी बारिश होती है। तो मैंने तो आज तक अपना कोई पौधा बारिश से मरते हुए नहीं देखा, अगर उसका ड्रेनेज अच्छा है तो। ड्रेनेज ख़राब है, पानी खड़ा हो रहा है तो नहीं कह सकते। अगर मिट्टी अच्छी बनाई हुई है आपने तो आपका कोई पौधा बारिश से एटलीस्ट नहीं मरता है। और देखिए कितना, ये भी देखिए, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा ही हो गया। देखिए बारिश से पहले क्या है, थोड़ी सी आंधी आई थी, आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, आंधी आई थी। और आप देखिए कितना हर पत्ता गीला है, देखिए। और अब मैं बना रही हूँ, फिर थोड़ी सी तेज हो गई है बारिश, अभी थोड़ी सी धीरे हो गई थी और अब फिर थोड़ी तेज हो गई है बारिश। शायद आपको बारिश की आवाज़ भी सुन रही हो। और फिर थोड़ी सी तेज हुई है बारिश और ये ग्रीन नेट वगैरह सब गीली है। और एक चीज़, ये वीडियो बनाने का एक पर्पस और था मेरा कि आप लोगों में से कई को ये डाउट रहता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन नेट लगा रहने से फिर पौधों में बारिश वगैरह नहीं आती होगी। तो देखिए ये ग्रीन नेट के नीचे, और देखिए कितना पानी है इस पौधे में, देखिए कितना पानी है, बिल्कुल गीला हुआ हुआ है। और सारे पौधे मैं आपको दिखाती हूँ पानी के नीचे जो भी हैं। और इनमें देखिए पानी आ रहा है और इस वाटर को ये इंजॉय कर रहे हैं, गर्मी से भी बचे हुए हैं धूप में। और अब जब पानी आया है, ये फाइकस देखिए, फाइकस की पत्तियां तो क्लियरली विजिबल हैं, गीली देखिए। और इनमें क्या है, अब ये जो भले ही बारिश गर्मी में आई है लेकिन इस बारिश को ये बहुत एंजॉय करते हैं, इससे इनमें जान आ जाती है पौधों में। ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं, देखिए। अब इस टाइम क्या है, इन पे जो ग्रीन नेट के कारण है ड्रिजलिंग जैसी बारिश आ रही है। देखिए हम भी खड़े हैं, आप देखिए मेरा भी ये कुर्ता गीला हो गया है, ये देखिए। चलिए मेरे इस पे विजिबल नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये कैज्यूरिना है। ये कैज्यूरिना पे भी एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ मैं। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, थिक स्टेम वाला कैज्यूरिना बहुत खूबसूरत लगता है। अभी ये पौधा थोड़ा छोटा है मेरा कैज्यूरिना का। और ये देखिए फाइलोडेंड्रॉन, इन पे पानी दिख रहा है आपको। कितने खुश हो रहे हैं देखिए। अभी बस इन पे ये गीले हो रहे हैं अभी इन पे, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे हैं, इनकी मिट्टी गीली नहीं हुई है। और फिर भी ये देखिए, ये पचीरा प्लांट है जिसे मनी ट्री कहते हैं। और तो ये सारे पौधे कितने हैप्पी हो रहे हैं, देखिए ये जलने लग गए हैं बारे गर्मी से, देखिए ये जलने लग गए थे इसके पत्ते। और अब जो है वो फिर से थोड़ा सा इनको डोज मिल जाएगी। हम कितना भी पानी दे लें लेकिन जो बारिश का पानी होता है उसमें जो मिनरल्स नाइट्रोजन होता है वो जो है वो पौधों के लिए, ये देखिए जो मैंने आपको अभी अपने शॉपिंग में दिखाए हैं डोरांटा, देखिए ये सारे मैंने दो दो डोरांटा सारे इनमें लगा लिए हैं। और अब इनको टॉपेरी का बॉल जैसा बनाने की कोशिश करूँगी। और अभी देखिए बारिश आ गई, अच्छा हुआ। अब ये गर्मी से मेरे फॉक्सटेल भी बर्न होने लग गए हैं, और अब बारिश आई है तो इनको भी चैन मिला होगा। और इधर देखिए ये सारे
गीले गीले नहाए हुए पत्तों को देख के हमको खुद को भी बड़ी फ्रेशनेस फील होती है कि देखिए नेचर इनको कैसे फ्रेश कर रहा है, बिल्कुल इनको कितना अच्छे लग रहे हैं ये। और हर पौधा हम लोग वाटरिंग करते हैं तो इतना इवनली हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना देखिए इवनली भगवान इनको नहलाता है पौधों को। ये देखिए पाम जो है ये कैसे एंजॉय कर रहा है। ये उस दिन ना आंधी में इसकी पत्ती नीचे हो गई है। स्काई पे देखिए कितने काले काले बादल छाए हुए हैं और अभी भी बारिश हो रही है। ये आपको दिख रही होगी मेरे हाथों पे बूंदें गिरती हुई, नहीं दिख रही है, अभी भी बारिश हो रही है और हम बारिश में ही खड़े हैं। ये देखिए पानी से नहाए हुए बोगनवेलिया। ऐसे लग रहा है जैसे मॉनसून आ गया होता है। बिल्कुल आप लोगों को बारिश दिख जाए तो और भी मजा है, बारिश नहीं दिख रही है बस। देखिए यहाँ पे ये बोगनवेलियास, इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए ये भी कैसे एंजॉय कर रहे हैं बारिश के, सारे पत्ता पत्ता भीगा हुआ है। ये देखिए तो नेट के नीचे भी बारिश आती है, बस गमलों में पानी नहीं इतना गिरेगा लेकिन पौधे पौधा नहा लेता है अच्छी तरह और पौधे को पानी स्प्रे हो जाता है, गमला चाहे नहीं भरे। और ये देखिए नीचे एक प्रॉब्लम हो गई है, देखिए मैं रिपोर्टिंग करती रहती हूँ, देखिए नाली ब्लॉक हो गई है। अब इस टाइम अब प्लम्बर को भी नहीं बुला, देखिए नेट के नीचे कितना पानी आ गया है और प्लम्बर को भी नहीं अभी मैं बुला रही थोड़े दिन, जब तक कि ज़्यादा और भी सेफ नहीं हो जाता है। और चूल्हा का देखिए इस पर कितना पानी है। तो मतलब सारे ये पौधे जो है ना वो ऐसे फ्रेश हो जाते हैं। एक बार ये कनेर पे कितना पानी है, ये सारे फ्रेश हो गए हैं पौधे बारिश से, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को ये सारे पौधे। तो फ्रेंड्स बस आज मैंने कहा बारिश हो रही थी तो क्या वीडियो शूट करें, तो आज आपको बारिश ही दिखा देते हैं। और ये देखिए जिनसिंग फाइकस। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।